देखो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 0.1 मीटर है और इस स्क्वायर के रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस स्क्वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें तो ईएमएफ जनरेट होती नहीं है, इसमें जनरेट होगी कितनी, बीएलवी। तो वर्टिकल वाले इस रॉड में ये कट करता हुआ जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, बीएलवी। और बी कितना है इसमें, 2 टेस्ला। इनके रेजिस्टेंस निगलिजिबल हैं, आपको ये बताना है कितनी वेलोसिटी से हम इसको मूव करवा रहे हैं ताकि इसमें करंट कितना जनरेट हो, 1 मिली एम्पियर। अब पॉइंट नंबर 1, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 3 बाई 3, 3 बाई 3, तो ये हट जाएगा, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो 3 और 3 सीरीज में 6, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 6 पैरल में तो 3, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इक्वलेंट क्या आएगी, 3, और इसकी कितनी है, 1, तो टोटल पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस 3 प्लस 1, 4। मोशनल ईएमएफ यहां पर क्या होगी, बीएलवी। बीएलवी को आर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, करंट, लेकिन आपको इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। करंट पता है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, बी पता है, लेंथ पता है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें आपने क्वेश्चन को करना है, तो आपने बीएलवी लगा लेना है, बीएलवी बाय आर करंट होगा, करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वैसे तो, और ये बोर्ड के अंदर एक बार आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, और ऐसा क्वेश्चन मेंस और नीट में भी आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। कैसे, क्वेश्चन है कि एक ये फ्रेम है और ये रॉड मूवेबल है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ रीजन में है कुछ रीजन में नहीं है, कहां से कहां प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक, फिर एक्स इज इक्वल टू बी से लेके एक्स इज इक्वल टू 2b तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और बी से एक्स ग्रेटर देन बी में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। फिर क्वेश्चन में ये गिवन है पी क्यू की रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर। पी क्यू को पुल कर रहे हैं कहां, 0 से 2b, तो ये रॉड पहले 0 पे थी एक्स इक्वल टू 0, और कहां पे पुल कर रहे हैं, 2b, फिर 2b से पुल करके वापस कहां पे ला रहे हैं, 0, तो 0 से 2b, 2b से 0। ठीक है यहां तक, तो आपको ये बताना है, और स्पीड कांस्टेंट है तो मोशनल ईएमएफ तो डेवलप होगी, तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, कितनी फोर्स चाहिए होगी मुझे पुल करने के लिए, कितनी पावर है, और इन सब का ग्राफ भी टाइम के साथ आपको बनाना है। तो ऐसी डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम की भी थी, वो याद है, वो एक एनसीईआरटी की टॉपिक, पावर कितनी है, फोर्स कितनी है, सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ पोर्शन में है कुछ पोर्शन में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, हमें केस ऐसा गिवन है, ये केस गिवन है, ये मेरी रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस रीजन में प्रेजेंट है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, ये एक्स इज इक्वल टू बी का पॉइंट है, और ये एक्स इज इक्वल टू 2b का पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 2b, 2b से लेके 0। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो अगर मैं 0 से b की बात करता हूँ, 0 से b की बात करता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं ना रॉड कहाँ पर है, रॉड तो इंस्टेंटेनियस किसी भी पोजीशन पे होगी, तो मान लो रॉड कितनी पोजीशन पे है, x, और ये जो लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लेंथ कितनी गिवन है, l, l, क्लियर है यहाँ तक, तो ये जो रॉड है इधर x है और ये लेंथ क्या है, l है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब तक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, एरिया कवर्ड कितना है, एल इंटू एक्स, अब एक्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो एरिया कम होगा, तो फ्लक्स बेसिकली इंस्टेंटेनियस है, उसने किसी पोजीशन का फ्लक्स तो बोला नहीं, टोटल फ्लक्स बोला, तो 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, एरिया क्या है यहां पर, एल इंटू एक्स, क्या स्टेप क्लियर है, तो 0 से लेके b तक फ्लक्स क्या आ गया, बी इंटू एल इंटू एक्स, यहां तक क्लियर है। अब ये जो रॉड है ये एग्जैक्टली कहां पर आ गई, बी पे आ गई, ये रॉड बिल्कुल बाउंड्री पे आ गई, एक्स इक्वल टू बी पे आ गई, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म है, कहां तक, 2b तक,
लेकिन जब ये रॉड बी पे है, एग्जैक्टली बाउंड्री पे बी पे है, तो एरिया कवर्ड कितना है रॉड का? एल इंटू बी, एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा एरिया। तो मैंने यहाँ पर इंटरवल कैसे बनाए, जीरो से बी तक, यानी कि एक्स जीरो और बी से कम, और दूसरा इंटरवल क्या बनाया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू बी का मतलब बी की बाउंड्री इसमें आ रही है, एक्स इक्वल टू बी इस पोर्शन में आ रहा है, तो इक्वल टू बी या ग्रेटर देन बी के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू एल इंटू बी, जीरो नहीं होगी। आप कहेंगे जीरो क्यों नहीं होगी, आगे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, बाउंड्री तक जब वो बाउंड्री पे रॉड खड़ी है एक्स इक्वल टू बी लेंथ पर, उस टाइम फ्लक्स था, कितना था, एल इंटू बी इंटू कैपिटल बी। तो जब वो बाउंड्री पे खड़ी है एक्स इक्वल टू बी, तो एरिया कवर्ड कितना है, एल इंटू बी, तो उस टाइम फ्लक्स था कितना, बी इंटू एरिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फ्लक्स खत्म हो गया, क्योंकि बी और टू बी की बाउंड्री में फ्लक्स स्टार्ट हुआ था इतनी वैल्यू से, उसके बाद ये बोलेंगे कि फ्लक्स बढ़ा नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, पर लेकिन एक्स इक्वल टू बी की बाउंड्री पे वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट था, तो यहां पर आंसर जीरो नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, बी इंटू एल इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉइंट समझ में आ रहा है। यहां पर नॉर्मल गलती हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, यहां पर तो फ्लक्स ले लेते हैं बी इंटू एल इंटू एक्स, पर फिर B से लेके 2B के इंटरवल में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो फ्लक्स जीरो, नहीं फ्लक्स जीरो नहीं है। आपने ये मानना है कि आपका आपके आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता हुआ यहां जा रहा है, तो आप ऐसे बोलेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ गया, उसके बाद इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक एक ही गो में जाने वाला है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर जीरो हो गया, नहीं, आप पूरे इंटरवल के लिए क्या बोलेंगे कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और यहां पर जो भी फ्लक्स है उसके बाद फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया, आप ये नहीं कहेंगे जीरो हो गया, क्लियर है, क्योंकि जब रॉड यहां से यहां जाएगी तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करती कट करती हुई जाएगी। तो ये पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो फ्लक्स की वैल्यू पहले इंटरवल में बी से जीरो से बी क्या होगी और बी से टू बी क्या होगी, क्लियर है। बस आगे सवाल है इंड्यूस्ड डीएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड डीएमएफ इस इंटरवल में क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये देखो जीरो से बी तक माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी, तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी एल वी। लेकिन बी से लेके टू बी तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या रहेगी, जीरो। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो पहले जीरो से बी तक ईएमएफ होगी लेकिन बी से टू बी ईएमएफ नहीं होगी। तो आप जो मन में सोच रहे थे ना कि फ्लक्स जीरो होगा, नहीं फ्लक्स जीरो नहीं होगा, ईएमएफ जीरो होगी, क्योंकि फ्लक्स पड़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद करंट क्या होगा, पहले इंटरवल में ईएमएफ कितनी है, पहले इंटरवल में ईएमएफ थी माइनस बीएलवी, माइनस भी आएगा माइनस बीएलवी, तो करंट क्या होगा, माइनस बीएलवी बाय आर। और दूसरे इंटरवल में ईएमएफ क्या है, जीरो, तो ईएमएफ जीरो का मतलब करंट भी क्या है, दूसरे इंटरवल में जीरो, ये भी क्लियर है। उसके बाद है फोर्स, अब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी आई एल, पहले इंटरवल में करंट क्या है, माइनस बी एल वी बाय आर, ये लिखें प्लीज। तो फोर्स का फॉर्मूला नेगेटिव में आएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये माइनस लगाएं, यहां पे माइनस बनाएं, क्योंकि पहले इंटरवल में ईएमएफ नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव है, और दूसरे इंटरवल में करंट क्या है, जीरो, तो फोर्स भी क्या है, जीरो। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू इसमें नेगेटिव आएगी, राइट। इसके बाद ठीक है यहां तक, उसके बाद क्या है, पावर, पावर का चक्कर ही कोई नहीं, क्योंकि पावर के ऊपर सबके ऊपर स्क्वायर है, ये पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव होती नहीं है। तो पहले इंटरवल में पावर होगी, दूसरे में पावर नहीं होगी, क्योंकि करंट ही नहीं होगा, राइट, क्लियर है। तो अगर हम ग्राफ्स के ऊपर आ जाएं, तो ग्राफ्स में क्या होगा, पहले इंटरवल में फ्लक्स प्रेजेंट है, ये देखो एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा,
तो पहले इंटरवल में 0 से लेके बी तक फ्लक्स बढ़ेगा, फिर बी से लेके 2B तक फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा, एंड में रॉड आ गई, फिर रॉड कहाँ जाएगी, 2B से वापस बी आएगी तो कोई फ्लक्स का चेंज नहीं है, फिर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में फिर एंटर कर गई और बिल्कुल एंड पे आएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड में बिल्कुल टच करेगा, एंड में जाके लेफ्ट पे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं तो 0 से लेके बी तक मोशनल ईएमएफ माइनस बीएलवी, फिर मोशनल ईएमएफ 0 और फिर कितना बीएलवी, ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है करंट का ग्राफ बनाया नहीं मैंने, पर करंट का ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम बनेगा, माइनस बीएलवी बाय आर माइनस बी प्लस बीएलवी बाय आर, करंट और ईएमएफ का सेम ग्राफ है, राइट। फोर्स, फोर्स मैंने नेगेटिव अभी दिखाया था, फोर्स पहले इंटरवल में नेगेटिव और आखिरी इंटरवल में पॉजिटिव, पावर हमेशा ही पॉजिटिव, पावर नेगेटिव नहीं है। तो क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है?